हाँ दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आईटेल मोबाइल में अगर आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप उसे चाहते हैं बंद करना है तो आप कैसे करेंगे, इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप बंद करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग। तो चलिए हम सीख लेंगे। सबसे पहले आपको ये माइक वाला जो बटन है, ये बीच वाला, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगा, तो आपको सिंपली ये माइक वाला बटन रहेगा दोस्तों, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने सेटिंग का पेज इस तरह से ऑप्शन में आ जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कॉल सेटिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कॉल सेटिंग के ऊपर ये माइक वाला बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग आएगा, तो ये एक माइक वाला बटन है, इस फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। इस तरह से आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्डर आपको मिलेगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर और इसको ऑन है तो ऊपर वाला जो आपको ऑफ दिख रहा है, तो आपको ये माइक वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये डन हो चुका है और यहाँ पे ये ऑफ लिखकर आ चुका है। पहले ऑन था, अब ये बंद हो चुका है। तो इस तरह से आप आईटेल मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।